का मंत्री है हरियाणा के बनवारी लाल जी, उनके नाम ये चार ज्ञापन करते दिए जा रहे हैं एसडीएम साहब को, ताकि जो नारायणगढ़ की मांग है वो एसडीएम साहब मुख्यमंत्री जी को दे, और साथ ही जो इस कमेटी के चेयरमैन है सब चौला जी, उप मुख्यमंत्री और इसके जो मेंबर है शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी गुज्जर और एक मेंबर है बनवारी लाल जी सहकारिता मंत्री, उन सभी को ये कॉपी दी जाएगी। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा, बड़ी शांति से, आज छुट्टी का दिन था, मैं अपनी तरफ से विशेष तौर पर एचएम साहब का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने छुट्टी के समय में भी हमें समय देकर आज नारायणगढ़ के इलाके के विकास के लिए एक बड़ा योगदान दिया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से धन्यवाद करता हूं, और महिलाओं से निवेदन करता हूं कि आप कृपया आगे आए ताकि एचएम साहब को क्या कॉपी दी जाएगी। आप सबसे पहली जो मीटिंग थी वो मेरे कार्यालय में हुई थी, और उस दिन जो नारायणगढ़ के गिने चुने लोग थे उन्होंने इस पे विचार विमर्श किया, और उस दिन ये तय कर लिया कि हम नारायणगढ़ के विकास के लिए हम ये मांग प्रशासन को रखेंगे, और उस समय की सरकार को हम बार बार ज्ञापन देते रहे, लेकिन तब नहीं हम कामयाब हुए। उसके बाद दूसरी सरकार आई, उसको भी हमने ज्ञापन दिए, लेकिन तब भी ये हमारी मांग पूरी नहीं हुई। और अब लोग डाउन के समय में जब हरियाणा की सरकार इस एक्टिविटी पे आई कि हो सकता हरियाणा में कोई ज़िले बढ़े, तो इसलिए हमने लॉकडाउन के समय में भी बार बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को, आदरणीय कंवरपाल जी शिक्षा मंत्री जी को, आदरणीय बनवारी लाल जी सहकारिता मंत्री जी को, उनको भी बार बार ज्ञापन देकर ये हमने मांग रखी। और इस उस पर दुष्यंत चौटाला जी ने जो हमें कहा कि आपकी अगर ये डिमांडें पूरी होंगी तो हम इसको बढ़ाएंगे, उन्होंने हमें हमारे आगे शर्त रखी थी कि अगर 4.5 लाख की आबादी नारायणगढ़ की है और 145 पंचायतें हैं तो नारायणगढ़ को हम जिला बढ़ा देंगे, जबकि नारायणगढ़ की 156 पंचायतें हैं और एक हमारे पास जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके 15 वार्ड है वो भी अलग से है, और ये जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें 4,90,000 से ज़्यादा की आबादी है, और अब तो 2021 आ चुका है, इसलिए यहाँ की संख्या लगभग 7 लाख के बराबर होगी, और इसके लाग लगते 5 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर तक कुछ गांव यमुनानगर एरिया के जो सडोरा इलाके के पड़ते हैं, और कुछ गांव रैपराणी एरिया के जो नारायणगढ़ के नज़दीक लगते हैं, और कुछ गांव मुलाना के एरिया के हैं जो नारायणगढ़ के नज़दीक लगते हैं, उनको लगाकर ये हमारी सारी जो कंडीशन है वो पूरी हो जाती है, और उसके बाद हमारा जो नारायणगढ़ इलाका है वो तरक्की करेगा, शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, ऐसी हम उम्मीद लेकर चल रहे हैं। इसके लिए हमने बार बार प्रशासन को ज्ञापन दिए, और हमारी जो इलाके की मांग थी उसको हमने पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की, और आप सभी का मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूं, और मेरे साथ आए जो साथी उनका भी धन्यवाद करता हूं। 2013 से जुड़े हुए हैं, इस मुहिम को हमने आगे चलाया हुआ है, क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन में सरकार ने जो है 3-4 जिले और नए बनाने की जो घोषणा की है, तो हमने भी अपनी मांग को आगे उठाया है। दुष्यंत चौटाला जी को इस बारे में हम भी मिले थे कि नारायणगढ़ को जिला बनाया जाए, तो उन्होंने पूछा कि नारायणगढ़ को जिला क्यों बनाया जाए, हमने कहा कि नारायणगढ़ की जो छोटी नारायणगढ़ के साथ जो उप तहसीलें थी सब डिवीजन जो है नारायणगढ़ का जो है वो बहुत ज्यादा पुराना है, जो पंजाब में रहता था हरियाणा नहीं बना था, तब से जो है नारायणगढ़ जो है सब डिविजनल है, और सब डिविजनल नारायणगढ़ में से जैसे कालका उप तहसील को निकाल दिया गया, जगाधरी उप तहसील को निकाल दिया गया, राजनीतिक प्रभाव लेने के कारण लोगों ने यमुनानगर जिला बना दिया, और इधर जो है पंचकुला जिला जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए बना दिया। नारायणगढ़ से जब 2 तहसीलों को निकाल करके सब डिविजनल से निकाल करके तहसीलों को जब जिला बना जाता है,
तो सबसे पुराने उपमंडल नारायणगढ़ को जिला क्यों नहीं बनाया जा सकता। हमारी सरकार से यही मांग है कि नारायणगढ़ को जो है इसी दौरान जो अभी ये चल रही है, अभी कमेटी बनाई गई है, सरकार ने कमेटी बनाई है जिला बनाने के लिए, ये नारायणगढ़ जो है सभी शर्तें पूरी करता है। इसके साथ में यदि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत कम लगता है तो एक तहसील इसमें सढ़ोरा जो है मिलाई जा सकती है, एक तहसील इसमें रैपरवाणी भी मिलाई जा सकती है। जब दूसरी सरकार की मांग है कि दो हल्के भी यदि हों तो जैसे सढ़ोरा हल्का है और एक नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, दोनों को मिला करके भी जो है जिला बनाया जा सकता है। इससे पहले भी सरकार ने जिले बनाए हैं जिसमें सिर्फ एक तहसील थी, एक एसडीएम कार्यालय था, जैसे पानीपत बना है, गोहाना जो है सरकार ने भी बनाया है, पलवल है, इस प्रकार के छोटे छोटे जिले राजनीतिक लाभ लेने के लिए जब जो है उधर दक्षिणी हरियाणा में बनाए जा सकते हैं तो एकमात्र नारायणगढ़ की सबसे पुरानी तहसील को भी जो है जिला बनाना चाहिए।